गाइज़ वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो सभी? आई होप अच्छे होगे, ठीक होगे। तो गाइज न्यू फ्रेंड्स को मेरी रिक्वेस्ट है, जिन जिन लोगों ने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो सब्सक्राइब का बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो फर्स्ट आप तक पहुँच जाए। तो गाइज़ अभी सुबह के करीबन 6:30 हो रहे हैं, हम न्यूज़ देख रहे थे और चाय पी रहे थे। तो इस टाइम बताया जा रहा है कि बॉम्बे में बहुत ही ख़तरनाक तूफान आने वाला है, आज दोपहर तक आ जाएगा। तो सबको वहाँ पे अलर्ट कर दिया गया है, बॉम्बे और महाराष्ट्र और गुजरात दो तीन जगह बताई गई है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने का खतरा है। 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना। जो बंगाल की तरफ अभी पश्चिमी बंगाल में जो आया था, आई थिंक ये वही है जो इधर की तरफ आ गया है। तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है देख के। मैं तो रात में भी देखा कि ऐसे आने वाला है तूफान। मैं तो सुबह, मतलब हम लोग रात में सही से सोए भी नहीं है ये सुन सुन के कि क्या हो रहा है अचानक से ये सब चीज़ें। तो अभी भी सुबह सुबह लगा के बैठे हैं, तो अभी भी बता रहे हैं कि दोपहर तक इस समुंदर से टकरा जाएगा और लहरें अभी से बहुत तेज उठ रही हैं। तो पता नहीं भगवान क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। खैर आप सब भी प्रे कीजिए कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ थम जाए, जैसे पहले ज़िंदगी थी वैसे नॉर्मल हो जाए। ये सब चीज़ें देख के तो बहुत डर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने सोचा मैं न्यूज़ देख रही हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में भी मुझे पता चला है, तो मैं आप लोगों से क्यों ना शेयर करूँ। तो बस इसीलिए थोड़ा सा सुबह सुबह ही वीडियो स्टार्ट कर दी। और अभी मेरी शक्ल सूरत भी ऐसी हो रखी है वो इसीलिए क्योंकि अभी हम सुबह सुबह अभी पहले चाय पी रहे हैं और उसके बाद ही फिर फिलहाल को दूसरा काम करेंगे। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, सुबह सुबह की चाय पी लीजिए हम लोग के साथ और न्यूज़ देख लो। हमारा मनराज है उठ चुका है और दादी के साथ यहाँ पे झगड़ा कर रहा है। ये दादी के साथ आजकल झगड़ा ज़्यादा करता है, खेली खेली कम, और झगड़ा इसका ज़्यादा होता है। तो दिन की शुरुआत हमारी हो चुकी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो दूध था उसको गर्म कर रही हूँ। और मनराज के पापा जा चुके हैं, तो जो खाना वाना बनाया था, सॉरी उसको तो शूट नहीं कर पाई, तो जल्दी जल्दी मैं उनको खाना बना के दिया। और उसके बाद जो बर्तन थे उसको मैं यहाँ पर फ़िलहाल अभी सारा साफ़ करके रख रही हूँ। और इसके बाद में मनराज की दूध वगैरह की बॉटल थी उसको धो दिया और मनराज के लिए दूध यहाँ पर बना कर रख दिया। अब इसके बाद मैं मनराज को सीधा नहलाऊँगी। तो यहाँ पर ये देखो खड़ा हुआ है अपनी पजामे वगैरह उतार के कि मेरे को नहलाना है। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारा खिलारा पड़ा हुआ है, देख सकते हो आप बेड पे। और मनराज को मैंने नहला दिया, मनराज के कपड़े वगैरह सारे चेंज कर दिए थे। तो अब इसके बाद में मनराज को नहलाने के बाद में जो सारा सामान था उसको मैंने सारा समेट दिया है यहाँ पर, सारा का सारा इस पॉलीथीन में मैंने बंद करके रख दिया। और अब मनराज, अब देख सकते हो ये रहा मेरा मनराज। अब इसको मैं सुलाने की कोशिश कर रही थी बट ये सो नहीं रहा था, तो मैं थोड़ा इसको 2-4 मिनट मेरे साथ खेल रहा था, हीरो बन रहा था बार बार। तो बस अब इसके बाद में मैं इसको सुला रही हूँ। अब देख सकते हो ये अभी भी ऐसे ही गोदी में सोता है, अपने आप नहीं सोता है। तो जब इसको बहुत ज़्यादा नींद आती है तब ये गले में हाथ डाल के आराम से मेरे साथ इस तरीके से सो जाता है। तो यही था बस आज का रूटीन हमारा, हम डेली इसी तरीके से करते हैं। जब मनराज के पापा जाते हैं उसी के बाद हमारे घर का सारा काम जो है वो शुरू होता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे अभी मनराज को मैं सुला रही हूँ और इसके बाद में बस अब मेरा नहाना धोना रह गया और थोड़ा सा खाना खाना रहता है। तो यही है हमारा आज का रूटीन, आई होप आपको पसंद आया हो। और मनराज सो गया है, बस अभी सोची थी कुछ खाने के लिए कुछ खा लेती हूँ। बहुत सुबह से 6 बजे, वही 6:30 बजे ही हमने चाय पी, अभी उसके बाद कुछ नहीं खाया। और अभी टाइम मेरे ख्याल से 11:01, अभी 10 बज चुके हैं, 10:15 हो रहे हैं मतलब अभी। तो सोचें कुछ खा पी ले, मम्मी तो एक पराठा खा चुके हैं, मनराज के पापा भी कुछ खा के जा चुके हैं, थोड़ा बहुत मतलब एक पराठा वो भी खा के जा चुके हैं। तो मैं नहा कर आ गई थी, फ़िलहाल बस यही रहता है मेरे मॉर्निंग का रूटीन तकरीबन बस, और कुछ नहीं। तो पहले चलो कुछ खा लेती हूँ, पेट पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे करती हूँ आराम से बात।
करेले और पराठे मैं खाने जा रही हूँ, आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो ये करेले की सब्ज़ी जो है ये मेरी फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है, ये मेरी बचपन से ही फेवरेट है। तो बस अभी मैं इसके साथ ही लंच कर रही हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो मैं मूवी भी साथ में देख रही हूँ, मम्मी भी देख रही थी। तो मम्मी पहले लंच कर चुकी हैं, तो अब बस मैं मेरा करना रह गया था, तो मैं भी लंच कर रही हूँ और मूवी को एंजॉय कर रही हूँ। आइए आप भी लंच कर लीजिए। न्यूज़ देख रही हूँ और बता रहे हैं कि बॉम्बे में जो है पहुँच चुका है तूफ़ान और बहुत ज़्यादा वहाँ पे तबाही हो रही है। यार भगवान सब कुछ ठीक ठाक रखो, बहुत ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हो रहा है। और समुंदर की लहरें बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा उछल रही हैं, आसपास की जगहों पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, पेड़ और बिजली के खंभे तक उखड़ चुके हैं, इतना ज़बरदस्त वो तूफ़ान है, 120 किलोमीटर की रफ्तार बता रहे हैं। तो देखो क्या होता है यार, भगवान सब कुछ ठीक ठाक रखे। फिलहाल वहाँ पे दिखा रहे हैं लाइव कि किस तरीके से वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, और अभी दिखा रहे थे बहुत ज़्यादा तेज़ लहरें उठ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। अभी एक घंटे बाद दस्तक देने वाला है यहाँ पे। अभी जो न्यूज़ आ रही है मैं वही आपको बता रही हूँ, लिखा हुआ है इसमें अरीबा में सबसे पहले टकराएगा तूफान। तो पता नहीं यार, 90 से 100 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, अब दुनिया में क्या हो रहा है समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है कि यार हर जगह हम आप जैसे ही बंदे हैं, हम आप जैसी ही फैमिली है और ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो एक तो ये कोरोना वायरस जाने का नाम नहीं ले रहा, ऊपर से इन्होंने इतना ज़्यादा मचा रखी है परेशानी, इतनी ज़्यादा कि बस पूछो नहीं, मेरा तो मन घबराई जा रहा, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, बिलीव मी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। फिलहाल आज मेरा यहीं तक का व्लॉग है, लंच अभी हम करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी मनराज के पापा कहीं गए हुए हैं, जब वो आएंगे 2-3-4 बजे, जितने बजे भी आएंगे तभी हम लोग लंच करेंगे। अभी हम लोग फिलहाल जो भी खा पी चुके हैं, और मम्मी लेट गई हैं और मनराज मेरा, तो मनराज फिलहाल यहाँ पर है। बाकी समंदर की लहरें और डरावनी हुई यहाँ पर लिखा आ रहा है। तो खैर चलिए, ये तो अब न्यूज़ आ ही रही है, आगे क्या कुछ है, कुछ भगवान कुछ गलत ना हो, तो यही सब लोग दुआ कीजिए, सब दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक रहे, जहाँ भी रहे जो भी रहे ठीक ठाक रहे, ये कोरोना वायरस जो है वापस चला जाए। ये अकेला नहीं आया, इसके साथ ये देखो कितनी सारी चीज़ें और लेकर आया ये समेट के। खैर चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं कट करती हूँ। ये आज था मेरा मॉर्निंग का रूटीन, यहीं तक मेरा रूटीन था। तो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ 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 वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कल नई वीडियो के साथ मिलूँगी, बाय।